नमस्कार, मैं रितेश कुमार केसरी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। मथुरा से बड़ी खबर निकल के आ रही है, चौथे चरण के मतदान के बाद हुई मतगणना में वोटों की गिनती जारी। डीएम मथुरा और एसएसपी मथुरा ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर छाता के गांधी इंटर कॉलेज पर मतगणना जारी है। वहीं कुछ प्रत्याशियों की जीत का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है और कुछ के भाग्य का फैसला अभी भी गिना जा रहा है। इसी दौरान मथुरा के सीडीओ नितिन गार्ड तथा जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल तथा एसएसपी गौरव ग्रोवर ने मतदान स्थल का निरीक्षण किया। मतदान स्थल पर तैनात एसडीएम छाता हनुमान प्रसाद मौर्य, नायब तहसीलदार राखी शर्मा, क्षेत्राधिकारी छाता जितेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर छाता रवि त्यागी तथा पूरी पुलिस फोर्स सतर्कता के साथ मौजूद है। फर्रुखाबाद की बड़ी खबर है, कायमगंज से भाजपा विधायक अमर सिंह खटीक को लगा तगड़ा झटका। कायमगंज विधायक का नाती प्रधानी का चुनाव हारा। विधायक के नाती हिमांशु खटीक को 24 वोटों से मुन्नी देवी पत्नी रविन्द्रनाथ ने किया पराजित। भाजपा नेताओं ने दबाव बनाकर दो बार कराई रिकाउंटिंग, फिर भी नहीं मिली सफलता। पहली बार काउंटिंग में 70 वोटों से हारा, फिर बनाया सत्ता का दबाव। दूसरी बार रिकाउंटिंग होने पर 24 वोटों से पराजित घोषित किया विधायक का नाती। शमशाबाद ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरझाला से विधायक का नाती लड़ा था प्रधानी का चुनाव। मेरा नाम वरुण गंगवार। कहाँ रहते हो? बरझाला। तो यहाँ आके आपको क्या मिला? कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग कार का निशान था, वो जीत गया प्रधानी में। प्रधानी में? हाँ। तो अब आप गांव के लिए क्या कराना चाहते हैं? गांव के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा उतना विकास कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा विकास कराएंगे जी, बिल्कुल। तो ये जिसको आपने हराया है ये कौन थे? ये भी प्रत्याशी थे एक तरीके से। तो ये किनके बेटे थे? बस जनता जिसको चाहती थी जनता ने उसको जिताया, जनता जिसको नहीं चाहती थी जनता ने नहीं जिताया। तो ये किसके लड़के थे? अब ये तो बात की बात है किसके। यह एक बड़ी खबर है बिजनौर से, कोविड प्रोटोकॉल के दामों की प्रशासन की खुली पोल। मतगणना स्थल पर एजेंट के मुंह से मुंह जोड़े खड़े। पंचायत काउंटिंग के बाद कोरोना बम फूटने के पूरे आसार। पुलिस प्रशासन एजेंटों को लेकर बेखबर। थाना कोतवाली देहात के जनता इंटर कॉलेज का मामला। जिस तरीके से लोग यहाँ अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई है? दो बार सर्च कराए जा चुके हैं और कई लोगों के पास जब्त किए जा चुके हैं। इसी प्रकार आधे आधे घंटे, एक एक घंटे के अंतराल पर सर्च करा रहे हैं और जो अनावश्यक रूप से घूमते मिल रहे हैं उनके पास जब्त करके उन्हें बाहर किया जा रहा है। प्रशासन के बाहर बैठा है, प्रशासन को सोचा है कि अंदर इसके बारे में क्या? बैरियर पर जो सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं उनसे बार बार कह दिया जा रहा है कि जो लोग पासधारी हैं वही लोग अंदर आ पाएँ और कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से, अनाधिकृत रूप से अंदर ना आए। बिजनौर से ही एक और बड़ी खबर है, बिजनौर मतगणना स्थल पर लोगों की भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही थी धज्जियां। पुलिस ने लोगों को लाठी डंडे से खदेड़ा। ई रिक्शा चालक को दरोगा की मौजूदगी में सिपाही ने बरसाई लाठियां। थाना कोतवाली देहात का मामला। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज सच के साथ। साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।